पाकिस्तान ने कहा रोकने के लिए तो ये हो जाएगा कम पाई जाएगी और साथ ही साथ
इस प्रकार नदियों के मुहाने वाले भागों में भी लवणता कम पाई जाती है। नदियों के मुहाने यानी कि सागर का वह हिस्सा जहाँ पर नदियाँ मिलती है, जैसे बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल में क्या करती है, गंगा नदी जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल विसर्जित करती है, तो वहाँ का सागर कैसा होगा, खारा ज़्यादा होगा कि कम होगा, यानी ध्रुवी क्षेत्र में और जहाँ पर कोई नदी सागर में मिल रही है वो वाला क्षेत्र कम खारा हो जाता है अपेक्षित और अपने बाकी हिस्सों के लिए। क्लियर है? जैसे आपने कैस्पियन सागर के बारे में देखा है, वहाँ पर यूराल झील और यूराल नदी और बोलगा नदी अपना जल विसर्जित करती है, तो जल विसर्जित करने के नाते जो कैस्पियन सागर का उत्तरी हिस्सा है अपेक्षितया वो कम खारा है बाकी से हिस्सों की अपेक्षा, यानी दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी उसको हम बात करें तो उत्तरी हिस्सा कम खारा है दक्षिणी हिस्से की अपेक्षा। ऐसे मान लो कैस्पियन सागर आपका है, अब यहाँ पर जो है नदियाँ आकर गिरेंगी तो क्या होगा, अभी आपने इस मंत्री जो लिखाया है उसमें बताया है कि नदियों के मुहाने, मुहाना मतलब होता है जहाँ नदी सागर में जाकर के या झील में जाकर के मिलती है, वही उसका मुहाना कहलाता है। तो यहाँ पर मीठा पानी आएगा तो कुछ तो खारा को घटा ही देगा, ठीक है, इस कारण से यहाँ का और यहाँ की अपेक्षा देखिए तो खारा कम ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा खारा होगा ये कम खारा होगा, क्लियर है, ये चीज है। और अगर पोल पे कोई हिस्सा है तो वो कम खारा होगा, ठीक है, ये बात लिखी थी। आगे और भी बात करते हैं, प्रतिचक्रवात की स्थिति के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, चलिए लिखिए, प्रतिचक्रवात की दशाएं स्थिर पवन उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती है, आयनवर्ती भागों में उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं, आयनवर्ती भागों में उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं, परिणाम स्वरूप यहां पर उच्च लवणता पाई जाती है, परिणाम स्वरूप यहां पर उच्च लवणता पाई जाती है। अब देखो मैंने कल बताया था बच्चों आप लोगों के लिए वायु राशि के बारे में, 30 से 35 साल वाले के तो बताया था ना, और 60 से 65 बताया था, 60 से 65 और एक को बताया था 80 से 90 वाला, ठीक है, 60 से 65 वाला, तो 20 से 35 और 0 से 45 का तो यहाँ पर मई तरफ कोई चीज़ निम्न वायदा होगा, हवा कहीं से भी आएगी तो
क्या करेगी, वहाँ पर नमी तो ले ही लेगी ना, यानी समुद्री क्षेत्र है तो पानी उसमें आ जाएगा, उसमें जैसे जब हीट होगा सागरीय जल, और जब जब गर्म, जैसे मान लो अब 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण आप देखो, वायुमंडल में जब गर्त बन जाता है तो हवा गर्त को भरने के लिए आती है, ठीक है, हवा गर्त को भरने के लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सूर्य के आसपास गर्त का निर्माण कर देती है वायुमंडल, मतलब यहाँ पर धरातल की धरातल के ऊपर गर्त बन जाता है यहाँ पर, और इस गर्त को भरने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं चल करके आती है। आना इनको ऐसे चाहिए, यही मैं बता रहा था आपको, हवा का आने का भी चाहिए, हवा जब इधर की तरफ आएगी बेटा तो होता क्या है कि ग्लोब में जो हिस्सा बहुत ज्यादा, मतलब आप देखिए पृथ्वी का ये बीच वाला हिस्सा जाते हैं, यानी इसका इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा मोटा हिस्सा है, इसकी परिधि सबसे ज्यादा है, और जैसे ध्रुव की तरफ जाएंगे फिर पोल बन जाता सेंटर, यानी इसकी परिधि बहुत छोटी होती चली जाएगी, तो ज्यादा घूमने में समय इसको लगता है, और पूरे हिस्से ये हिस्सा या कोई भी हिस्सा हो 24 घंटे में चक्कर लगाता है, सभी एक चक्कर लगाते हैं, यानी कि पृथ्वी पूरा एक गोला 1 घंटे में घूमेगा, ठीक है, 1 घंटे में घूमेगा तो जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है तो सबसे तेज घूमेगा, जैसे मान लो अपनी बॉडी के लिए ये हमारी फैट, ये मोटाई मान लीजिए आप इसको, अब हम घूमेंगे अगर तो सबसे तेज कौन सा हिस्सा घूमेगा, स्वाभाविक ये वाला हिस्सा सबसे तेज घूमेगा, ये भले आपको न फील हो, खोपड़ी कम घूमेगी ना, इतनी बड़ी खोपड़ी है टोपी हटा दीजिएगा, उसके बाद में क्या होगा तेजी से घूमेगा, खोपड़ी छोटी है तो जब घूमेगा तो हमें देखने में तो लगा, अब पूरी बॉडी को भी घूमने जितना समय लगा उतना इसको भी घूमने में समय लगा, इसका क्षेत्रफल इसका कम से कम 4 गुना होगा, कम से कम 4 गुना, और एक परिधि में लेके जाएंगे तो कई गुना हो जाएगा, मुझे लगता है 8 गुना 10 गुना रावण के जैसा सिद्ध हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, लेकिन खोपड़ी बराबर रखेंगे तो इसके बराबर आएगा ना, जैसे मान लीजिए खोपड़ी यहाँ 3 6 15 9 3 12 फिर ऐसे कॉर्नर पे भी ऐसे ऐसे, यानी ज्यादा हो जाएगा क्षेत्रफल, मैं खोपड़ी का मतलब क्षेत्रफल तब बराबर होगा, कहने का मतलब इसको तेज घूमना पड़ेगा, तो यहाँ पर तेज घूमती है ना बेटा, समझ लो कभी नहीं भूलेगा जीवन, ये तेज घूमती है, तो जब तेज घूमने लिए हिस्सा तेज भागेगा और ये हिस्सा तेज स्लो चलेगा, क्योंकि ये देखो ये हिस्सा तेज भागेगा सबसे ज्यादा तेज तो कौन सा हिस्सा, जो चौड़ा हिस्सा है, जैसे ये हिस्सा सबसे तेज, इसके बाद वाला हिस्सा ये तेज, इसके बाद ये वाला हिस्सा, फिर सबसे धीमा ये हिस्सा, ये तो होगा ना, तो भाई जब ये सबसे तेज भागेगा तो इसका मतलब ये ज्यादा तेज दौड़ रहा, फिर इसके बाद ये भी हिस्सा इसके बाद तेज दौड़ेगा, इसके बाद का हिस्सा उससे कम तेज दौड़ेगा, इसके बाद का हिस्सा उससे कम तेज दौड़ेगा, इससे फर्क क्या पड़ रहा है जरा इसको समझिएगा, यानी कि तेज जो भागेगा और स्लो भागेगा, यहाँ होता है लो प्रेशर, यानी हम गर्त बनी यहाँ पर, हवा आई कहाँ हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आई, आपको अभी मैंने बताया यह हिस्सा तेज, यानी मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से हिस्सा भाग रहा है, तो भाई ये 40 किलोमीटर से भाग रहा है और 50 किलोमीटर से भाग रहा है, तो 40 किलोमीटर वाला जैसे आप यहाँ से भागो 40 किलोमीटर की बात से, और मैं भागू 40 किलोमीटर प्रति घंटे की बात से, ठीक है, तो क्या मैं बराबर पे मिल पाएंगे हम लोग, निश्चित तौर से आपके पीछे ही रहूंगा मैं 40 मेरी स्पीड है, तो यहाँ मेरा ये हिस्सा तेज भाग जाता है और ये हिस्सा पीछे छूट जाता है, इस मतलब हवाओं की दिशा ही देखो यहाँ पर बनेगा गर्त, समझो यहाँ बनेगा गर्त, अब इसके सामने से हवा इसको भरने जाएगी, लेकिन जब तक ये यहाँ पहुंचेगी तब तक ये हिस्सा यहाँ पहुंच जाएगा और भरेगी उसी को, समझ रहे हो आपको, ये क्या होगा, ये हिस्सा भरने को जाएगी तो यहाँ इसको ना भर करके, इसको ना भर करके क्या होगा, ये हिस्सा जब तक ये हवा यहाँ पहुंचेगी तब तक ये हिस्सा मुक्त कर चुका होगा, यानी कि पिछड़ जाएगी, ये हवा ऐसे
नाते सारी हवाओं की दिशा का झुकाव क्या हो जाता है, लेफ्ट बाएं हो जाता है, इस गोलार्ध को बाएं हो जाएगा। यहाँ से बेटा कोई चीज हवा चलेगी इस जगह को भरने के लिए, यहाँ कितनी बनी थी लो प्रेशर, यहाँ से हवा आई इसको भरने के लिए, लेकिन तब तक ये इससे आगे चला जाएगा तो हवा कहाँ नीचे छूट जाएगी, तो हवा की दिशा इसी नाते ही है पूरी गोलार्ध में दिक्कत है। इसी नाते कहा गया है कि दक्षिण गोलार्ध अपने बाएं मुड़ जाती है, इसी को ही कहेंगे फेरल का नियम, फेरल का नियम बताएंगे कि अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, उत्तरी गोलार्ध अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, दक्षिण गोलार्ध अपने अपने तो यहाँ पर हवाएं क्या होती है, देखो मध्य 30 डिग्री या 35 डिग्री से जो हवा चलती है 0 डिग्री के पास पहुंचती है तो पिछड़ जाती है, पिछड़ती है यहाँ हवा, और फिर जब 0 डिग्री से 60-65 वाले हिस्से में आएगी तो अलट जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 40 किलोमीटर घंटा था, यहाँ 50 था, यहाँ मान लो 30 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर है तो निश्चित तौर पर 40 किलोमीटर वाला क्या करेगा, पहले पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा, तो पहले पहुँच जाती है, तो यहाँ पर निकलेगी इसको भरने के लिए पहुँच जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी आगे निकल क्योंकि इतनी तेज है, जैसे मान लो आप बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहे हो और मैंने यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आपको पकड़ना शुरू किया तो आपसे पहले पहुँच रहा होगा ना वहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या अगर जाती है यहाँ की ये हवा अगर जाती है यानी कि इसका झुका इधर से होगा, तो इधर समझिए इससे इधर चली जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, हवा चल कहाँ से रही है बेटा, यहाँ से हवा चल रही है कहाँ से, जहाँ पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से, तो हाई प्रेशर जहाँ होगा वहाँ वर्षा होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, तो जब वर्षा नहीं होगी तो यहाँ का जो सागरीय क्षेत्र है या यहाँ का जो सागरीय क्षेत्र है पानी नहीं पाएगा, तो पानी जब नहीं पाएगा तो उसमें क्या खासियत हो जाएगी, लवणता हो जाते होगी, इसी नाते कहा गया है आयनों पर लवणता जाते होती है अपेक्षा इक्वेटर, समझ जाए बस क्या कारण था, अगर ना पिछड़ा तो समझ में आया, बाकी वाले राशियों में पढ़ लेंगे तो देख लेंगे, नहीं पढ़ लेंगे इससे तो दिक्कत तो नहीं है, चलिए तो यही बात थी, जो लवणता आयनों में ज़्यादा हो सकती है आप फिर बता देंगे ना, क्योंकि वहाँ पर उच्च वायुदाब होता है, आयनवर्ती क्षेत्र यही कहता है, तो 30 डिग्री के आसपास का हिस्सा आयनवर्ती क्षेत्र कहलाता है बेटा, यही हिस्सा आयनवर्ती क्षेत्र कहलाता है, 30 डिग्री से कहीं कहीं आपको 20 से 30 के मध्य में मिलेगा किताबों में, तो उससे कोई बात नहीं, गुजारा आराम कर देंगे, हो जाएगा 30 डिग्री के आसपास का, यानी 20 से 30 डिग्री का हिस्सा जो लगभग करीब है किताबें कहीं कहीं बताएंगी, ये आयनवर्ती क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पानी बरसता नहीं है लगभग करीब में, बस एग्जैक्टली रखेंगे तो 30 से 35 डिग्री का हिस्सा जो है बिल्कुल वहाँ पर मौसम शांत रहता है, वर्षा वर्षा कुछ नहीं होती है, चक्रवात वगैरह वहाँ पर नहीं आते हैं, चक्रवात नहीं आए हैं। अब मान लो आप टूर पर चले जाते हैं अंडमान निकोबार के समूह में, ठीक है, अंडमान निकोबार में कुछ आता हुआ मिसल लेके बिल्कुल ऐड रहिएगा, जैसे आपने फोटो खींचना शुरू किया तो पानी बरसा शुरू हो गया, खींच लिया 2-4 मिनट बरसने के बाद फिर बंद हो जाएगा, फिर अपना करिए क्रॉस करिए अपना अम्ब्रेला अपना घूमेगा नहीं, जैसे जिस जलवायु में रहते हैं हम लोग जैसे क्या है धीरे धीरे कुछ चीज पाने वाले हैं, तो हमारे विद्यार्थी भी धीरे धीरे ही लेते हैं, जैसे हम लोगों की जलवायु जो है क्या है बहुत जैसे ठंडक धीरे धीरे आ रही है ना, तो हम लोग पहले क्या करेंगे एक शर्ट पहले पहनते थे, फिर उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा मोटा वाला शर्ट पहनेंगे, फिर मोटा वाले के बाद में हाफ स्वेटर पहन लेंगे, फिर उसके बाद फुल स्वेटर पहन लेंगे, फिर उसके बाद इनर पहन लेंगे, फिर जैकेट भी पहन लेंगे, फिर टोपी और मफलर सब लगा लेंगे जनवरी तक है, और जनवरी के बाद धीरे धीरे जैकेट निकालेंगे, फिर टोपा निकालेंगे, फिर हाफ स्वेटर में आएंगे, फिर टी शर्ट में आएंगे, यही परंपरा है ना, लेकिन यही पहाड़ी क्षेत्रों में या विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ऐसा नहीं, वहाँ सडनली होता, तात्कालिक चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ छप्पर छाने का अपने छत को मेंटेन करने का पूरा भरपूर समय रहता है कि भैया आराम से 4-6 महीने में अपना छप्पर पर मेंटेन करो, पानी आने वाला है, वहाँ क्या होता है आ गया एकदम बिल्कुल रेड अलर्ट, पानी बरस गया, बादल फट गया, बह गया सब, ये होता है ना, हम लोग देखा ना टीवी देखते हैं ना, तो हम लोग सबसे बेहतरीन वाले क्षेत्र में हैं, सबसे ग्लोरियस, अगर मैं भारत की बात करूं तो मुझे जहां तक जनजीति जानकारी है जागरूकती की,
उतने हिसाब से देखिए इससे बेहतरीन क्षेत्र कहीं नहीं, मतलब बेस्ट में से भी बेस्ट वाले जोन में हम लोग हैं, इसी रहते हम लोग आलसी भी हमारे यहाँ देख लेंगे परीक्षा दिसंबर में है तो ये हम लोगों की परंपरा रही है। अगर पहाड़ी क्षेत्र में रहते तो हम लोग ऐसे नहीं रहते, हम लोग इन क्षेत्रों में क्योंकि हम लोगों के यहाँ जलवायु धीरे धीरे बदलती है। अब हमारे यहाँ जब सडनली कोई काम होता है तो चर्चा का विषय हो जाता है, इस बार ठंडिया जल्दी आ गई, इस बार पनिया बहुत बरस गया, इस तरह की चर्चाएं चलती है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब हमारे यहाँ जलवायु धीरे धीरे कोई चीज परिवर्तित होती है, सडनली हमारे यहाँ कुछ स्ट्रोक नहीं होता। अपवादिक स्थितियां देख लीजिए, हम पानी भी जानते हैं बरसे का बढ़िया, हमारे पास इतना भी आकलन होता है, हम आप साधारण व्यक्ति मानसून देख करके बताते हैं पानी बरसे का इधर लगता है मौसम कुछ दिन गड़बड़ रहेगा, लेकिन वहां सबके क्षेत्रों में नहीं रहता। तो इसका यहाँ के नागरिकों पर यहाँ की जलवायु पर भी बड़ा एक तरह से अलग टाइप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये बात है कुछ चीज के मानसून को लेकर के। चलिए समझेंगे आप लोग, आयनवर्ती भागों में उपर्युक्त दशाएं पाई जाती हैं, परिणाम स्वरूप उच्च लवणता पाई जाती है, परिणाम स्वरूप उच्च लवणता पाई जाती है। व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे, व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे ब्रैकेट में लिखिएगा महासागरों के पूर्वी किनारे, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे ब्रैकेट में बेटा महासागरों के पूर्वी किनारे से खारे जल को महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, खारे जल को महाद्वीपों के पूर्वी किनारों किनारे पर लाकर वहां की लवणता बढ़ा देती है, पूर्वी किनारे पर लाकर वहां की लवणता बढ़ा देती है। पछुआ हवाएं, अब देखो लोग यही बता दें पूर्वा पछुआ जिसमें आप लोग जान लोगे तो बेटा ही है वही नहीं है, ये मैंने बताया था आवाज जैसे इधर को आती है ना, ये बोला था
अब हवा क्या चल रही है, जा रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ, लेकिन वो हिस्सा क्या हो रहा है, मुंह आगे कर रहा है, साथ में पीछे छूट रही है हवा, यानी हवा की दिशा ये हो रही है। अब हवा की दिशा ये हो रही है तो लगभग करीबन हवा जब जाएगी ये दिशा किधर पर भी जाएगी, ऐसे कौन सी दिशा आ रही है, किधर से चल रहा है, ये दिशा मैंने बताया पूरा ये पश्चिम, तो किधर से जा रही है, जहाँ से चले किसी का नाम वही होगा, किधर से चल रही है, कौन सा है, पूरा उत्तर पूरब से, लेकिन हम उत्तर पूरब नहीं कहेंगे, पूरब इधर से इधर हवा चले पश्चिम की तरफ जा रही है, तो हो गई हवा कौन सी, पूर्व हवा। व्यापारी हवाओं को ही क्या कहते हैं, पूर्व हवा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखोगे बेटा दिशा कौन सी है, यहाँ पर ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, और ये होता है क्या पूरब, और ये होता है पश्चिम, जानते ही हो गया हम लोग, उत्तर ये हो गया दक्षिण ये हो गया, तो बाकी अपने आप ऐसे हो जाता है। अब जब ये स्थिति होगी तो बेटा ये दिशा कौन सी है, पश्चिम, और ये दिशा कौन सी है, हवा चल रही कौन सी, पछुआ हवा होगी, तो इसी को क्या कहते हैं, पछुआ हवा, ठीक है। इसी तरह से इसको जब यहाँ पर देखेंगे तो ये भी कह रहे हैं क्या, पछुआ, समझ गए ना, पछुआ हवा, समझ गए बेटा, ये पछुआ हवा होगी, पूर्व हवा होगी, ये शीतोष्णकटिबंधीय हवा के नाम से भी जाना जाता है इसको, मतलब ये यहाँ पर जो ये हवा होगी ये ठंडी बिहेवियर का थोड़ा लेकर के रहेगी, क्योंकि ठंडे चांस की तरफ जा रही है, तो बस इतना जानिए, पूर्व पछुआ बताना था मुझे, ये हो गया आपका व्यापारी हवाओं का क्षेत्र। और इसी नाते जब कहेंगे गरजता 40 शीतता 50-60 जो भी अपनी हवाएं हैं, ये सब इसी नाते इसी में सब पछुआ हवाएं होती हैं, कभी भी आप देखेंगे सब जितने भयंकरकारी हवाएं हैं जो तांडव मचाती हैं, गरजती हैं, परेशान करती हैं, वो 40 डिग्री 35 डिग्री के बाद का ही होगा, मतलब वो 35 डिग्री 40 डिग्री अस्वच्छांश जिसे कहा जाता है ना, तो आपने 35 डिग्री के आसपास का सुना होगा, 30 से 35 डिग्री, कहीं कहीं किताबें बताएंगे 30 से 35 डिग्री, लगभग 40 डिग्री के आसपास अच्छा अस्वच्छांश भी कहा जाता है। देखो मैंने बताया था 30 से 35 डिग्री क्या होता है, प्रति चक्रवातीय स्थिति होगी ना, प्रति चक्रवातीय स्थिति में क्या होगा, मौसम बिल्कुल साफ, हवाएं नहीं चलेंगी, तो नाव क्या करेगी, भागेगी, रुकेगी, हवा रुकेगी, तब तो हवा नहीं है तो कहाँ जाएगी, अभी कह रहे हो कि साहब स्टीमर है तो चलेगी, हाँ चलेगी अब, लेकिन जब स्टीमर नहीं था तब क्या थी, रुकेगी, तो रुकी थी, लोड कम करोगे तब तो बगेगी, तो लोड करने के लिए घोड़ा वाला बता देते थे भैया, जान बची तो लाखों माएं छोड़ो मोह माया वहां त्याग देते थे, घोड़ा वोड़ा वही छोड़ देते थे, पहले घोड़ा वोड़ा बहुत बड़ी बात सक्सेस माने जाते, जिनके घरों में दो चार घोड़े होते थे वो जमींदार लोग रखते थे, बात समझ रहे, गरीब किसान क्या रखता था, गाय रखता था, भैंस रखता था, और जानवर जो गाय का रखता था, बड़े लोग घोड़ा रखते थे, वो इस समय स्टेटस का सिंबल हुआ करता था, और बड़े हो गए तो हाथी रख लेते थे, समझ रहे। तो घोड़े का व्यापार क्या होता था, घोड़े का व्यापार जैसे घोड़ा है ना, इधर से ले आए है ना, घोड़ा लेकर के आ गए, तो पता चले इस नाउस मसला घोड़ा लिए जहाज बना लेके पहुंचे, यहाँ से लेकर के चले आए, यहाँ से लेकर के कहीं से जहाँ से भी अपना करके जाता, तो अभी ऐसा नहीं था स्पेल में ना उतना कि यहाँ रहा हुआ, तो वैसे घूम घूम के आते थे, तो सबके लिए ज्यादा पूरा करते थे, तो व्यापार उन्हीं के लिए, आज भी व्यापार किसके लिए होता है, आज आप कोलगेट ना करिए तो विदेश से लाने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, आप तो क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इकाई ही बना देते हैं वहाँ पे, कितना बिकता है यार, कितना ढोलो के ले चलेंगे वही बनाएंगे, चलो वही बनाएंगे वही बेचेंगे, है ना, पहले पहले नहीं होता था, अभी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ वहाँ सर्विस कर दी जा रही है, कि वहीं बनता है वहीं बिकेगा। PNG के बारे में जानते हैं, कोलगेट सभी लोगों ने किया होगा जरूर, एक आध जीवन में एक आध जरूर किया होगा, और कुछ लोग जीवन से लेकर के आज तक खरीदते आए हो, वो सब कैसे हैं, वो सब प्रोडक्ट फॉरन के, बाबा रामदेव उसके तोड़ में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पता नहीं जी दिल गया सर यहाँ, है ना, कौन सा पेस्ट आता है बाबा जी का, दंत कांति आता है, और कोई ये सब आता है ना, और एक और आता है दंत कांति एडवांस, तो बाबा जी टक्कर विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं, तो अब तो विदेशी कंपनियाँ भाई देखिए, वो लोग भी पहले कोलगेट आयुर्वेद का प्रचार नहीं करता था, अब वो क्या कहता है, लौंग तुलसी के रसों से बना हुआ वो भी कहता है ना, यानी हर आदमी को आयुर्वेद की तरफ बाबा जी ने मोड़ दिया, भाई मार्केट है, यहाँ मार्केट है, पहले क्या कहते थे, एक दिन क्रीम लगाई अगले दिन स्मार्ट हो जाइए, यही तो होता था,
तुम्हें लोग लगा दी थे, अगले दिन लगाया नहीं तुमने स्मार्ट, तो उसको देख करके लोगों ने सब अपना परंपराएं डेवलप कर डाली। तो ये जो बात हो रही थी व्यापार की, ये तो आधुनिक जमाना है, शिपों से प्लेन से खटाखट खटाखट चीज़ें पहुँच जाती हैं, लेकिन पहले जो था वो घोड़े वोड़े का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, क्योंकि घोड़ा एक वेटेड होता है, तो इस नाते उसको समुद्र में गिरा दिया जाता था, उतार दिया जाता था, तो कुछ एक मर जाते थे, कुछ एक तैर करके साथ साथ चले जाते थे, तो वो बच जाते थे, तो वो कुछ अक्षांश होता है। अब एक अक्षांश के बीच की जो दूरी होगी ना बेटा, लगभग करीब में कितने किलोमीटर की होगी, 111 के आसपास किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, ठीक है, 111 किलोमीटर के आसपास, यानी कि लगभग करीब में 500 550 किलोमीटर का एरिया क्रिटिकल जोन आ जाता है। 30 से 35 के बीच में अगर ले लेंगे, वहाँ उच्च वायु दाब का क्षेत्र है, हवा चलेगी नहीं, हवा चलेगी नहीं तो जो बड़े बड़े पर्दे लगते हैं उन्हीं से हवाओं को शिपों में ताकत मिलती है और शिप उसी से चलते हैं, है ना। अभी भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा कि ये पछुआ हवाओं का क्या क्षेत्र है और पूर्वा हवाओं का क्षेत्र है। पछुआ हवाओं में जो दक्षिणी गोलार्ध हमारा पड़ता है, यहाँ पर जल की अधिकता, मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पर क्या जल की अधिकता है, तो हवाएं बिना रुकावट के बहुत तेजी से चलती हैं, यहाँ रुकावट नहीं होती, इस नाते प्रचंड वेग वाली हवाएं यहाँ पर चलती हैं, जो है अस्वच्छांश है, गरजता चालीसा है, चिंता साटा है, इस तरह की चीजें यहाँ साथ। चलो ठीक है, तो उनकी बात हो गई, पछुआ हवाओं के बारे में है ना, पछुआ जान गए ना, पछुआ कितने कितने अच्छा से कितने अच्छा से भी चलेगा, 30 डिग्री के बाद से 30 से 35 से चलना शुरू होगा, 60 के बीच में, यानी कि 30 से 60 के बीच, मोटा मोटा दिमाग में रखें, तो 30 से 60 डिग्री अच्छा के बीच में कौन सी हवा, मोटा मोटा 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर के डिग्री दक्षिण के बीच में कौन सी हवा, व्यापारिक हवा या पूर्वा, ठीक है, ये चीज़ें हैं बिल्कुल, इन अच्छा के बीच में पूर्वा चलेगी, बाकी अच्छा पछुआ चलेगी, और उसके बाद का बिल्कुल वहाँ पूर्वा चलेगी, लेकिन ध्रुवी हवा होगी वहाँ, तो ऐसे जम जाएंगे हम लोग एक दिन लेके जाकर कोई अनुमान तो जो है अंटार्कटिका में रखते तो हम लोग स्टैचू बन जाएंगे, हम लोग वहीं जमे रह जाएंगे, तुरंत हार्ट अटैक से मर जाएंगे, ठंडी हमारे बात को हार्ट के पेशेंट जाते हैं प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, हम लोग कितने लोगों को अगर 4 महीना मकान से ले जाके नीचे दिखा दीजिए तो आधे लोग वहीं बेहोश हो जाएंगे। इसमें से भी बहुत सारे भाग हो सकता है, मैं भी उसमें से एक हूँ, हो सकता है, कुछ क्या नहीं दिखा सकता है कि हम लोगों का क्या होता है, यही बहुत कमजोर होता है, जिसका नहीं कमजोर छत पर जाके देख ले, तो बने रहते हैं नीचे देखने के बाद। हाँ वही मैंने कहा की बात जी जी बिल्कुल सही आपने कहा, डर तो बहुत लगता है, क्योंकि हम लोग मैदानी क्षेत्र के डरने के पीछे का कारण ये नहीं कि हम लोग बहादुर नहीं है, कभी जब ऊंचाई देखी नहीं तो डर लगेगा नहीं, हाँ तो पहाड़ में से रोज देखते रहते हैं पहाड़ी के पीछे से पाइप लगी रहती है और उस पर प्रतिबंधित किया जाता है, वहाँ तक लोग चले जाते हैं, हमें आपको अगर ले जाना पड़े वहाँ पे तो उसे 2 कदम दूरी से ही देख लेंगे, इतने देख लेंगे वहाँ तक नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसको फेस नहीं किया, लेकिन अगर 20-25,000 बार हम लोग भी चले जाएंगे तो बाउंड्री वाल के किनारे खड़े हो जाएंगे, ये देख लेंगे ये क्या होता है साइकोलॉजिकल। बॉम्बे में गए तो सिंगापुर में जी, वहाँ पर जाए पहाड़ 40 किलोमीटर ऊंचाई हम लोग पहुँचे थे जी, हम लोग जो गाड़ी का पैर निर्भर पूरा खून के निकल गया, समझ लीजिए 50 वो पैर फट गया, नहीं निर्भर खून के निकल गया, नीचे वहाँ के नीचे गिर गया। अरे भाई वैष्णो देवी माता जी क्या जा रहा था, अब सुन लीजिए थोड़ी सी नीचे जाते थे, गाड़ी में बैठा हुआ था तो छोटी गाड़ी फिर से मानी जाती है भाई अपने हिसाब से चलाएगा, जैसे जैसे मुड़ आ रहा था भगवान अब तुम ही हो सहारा, क्या पता देखने के बाद आगे तब तुम खाई, और ऐसी सी रोड है अगर एक गाड़ी मैंने कहा अगर कहीं वो आ रहा होगा अपोजिट साइड से तो क्या हो सकता है क्रेजी। आप लोग देखते होंगे आर्मी की सेना की गाड़ियां अक्सर पलट जाती हैं, आपने टीवी में देखा होगा, और बड़ी बड़ी गाड़ियां रियली वहां पर बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है, सड़कें इतनी पतली सी होंगी सिंगल साइडेड, उसी में ही ड्राइवर एक्सपर्ट होते हैं और एकदम बिल्कुल कभी कभी पॉइंट से वो
दिल में ऐसी दहशत पैदा हो जाती है कि भगवान अगर हम पैदल तो चलने के लिए तो हम पैदल चले जाएं। मैं अपने जीवन का एक छोटा सा वाक्य बताऊं। मैं बचपन में छोटा था तो हम बस से आ रहे थे और बस क्या हुई, कहीं स्टॉपेज पर रुकी पानी वानी पीने के लिए, खाने वाने के लिए, और मैं बस के आगे ही बैठा था, जो आगे वाली सीट होती है संजोग से वहीं बैठा था। और आगे बैठने बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए आते पेरेंट्स ने वहीं बैठा दिया था कि बैठो बेटा आगे देखते चलो। अब वो जब ड्राइवर ने खाना खाने के बाद सब होने के बाद अपनी गाड़ी उठाई तो उसने जो टर्न किया तो मुझे जो दिखाई दिया कि उसके बाद गड्ढा है। और वो कैसे मोड़ा, मैं आँख मूंद के जितने भगवान मुझे उस समय याद थे सबको मैंने स्मरण किया कि अब हम सब लोग मर जाने वाले हैं, अब हम लोग मरे बिना नहीं रह सकते हैं। उस समय मना स्थिति थी लेकिन वो किसी तरह से उसने काट लिया, भाई देखा होगा उसने। मैंने कहा कि अब गाड़ी सिम चली जाएगी और चिल्लाऊंगा तब भी नहीं बच पाऊंगा। इस नाते मुंह बंद करके भगवान का नाम लेते हुए निकल गए तो अपने आप को समझा कि जान मेरी बची। तो एक बच्चे की जो स्थिति मना स्थिति होती है वो इसी कारण से मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। मैदानी क्षेत्रों में हार्ट अटैक ज्यादा आते, हार्ट के पेशेंट आपको यहाँ बहुत ज्यादा और भी कारणों से, और ये भी हार्ट अटैक से इसे मर जाते। अभी किसी को पता चले कि इसकी लगी नौकरी तो हार्ट अटैक से मर सकता है। अथक प्रयास के बाद चार बार नहीं हुआ पांचवें बार हो गया, हार्ट अटैक का दौरा पड़ सकता है क्योंकि उसने प्रेशर झेला नहीं है। और लोग हंसी आ रही है क्या गलत की बात कर रहे हैं भाई, प्रेशर ऐसे ही होता है। तो किसी ना किसी कारण से किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो शौक नहीं झेल पाए उसको अति खुशी अति दर्द नहीं देना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं और तेजी से बोले कि वो नहीं रहे तो पता चले और नहीं रहे। तो इस बात से उसको यहाँ के लोगों को बहुत धीरे से उसको मैसेज करना होगा कि ये ऐसा है ना। किसी ने आज सुना होगा अपने कल्चर है जो बहुत बड़ी घटनाएँ हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि घर वाले से पूछ रहे थे क्या हो गया उसको, मतलब बाइक एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो एक्सीडेंट बहुत छोटा हो तो उसको बताते नहीं नहीं वैसे। तो उनके पीछे का मोटिव यही रहता था, पहले मैं भी नहीं सुन पाता झूठ बता देना चाहिए, ये बता देंगे तो होते जगह और निपट लें सीरीज में, उनको देखने जाएंगे इनको लेके जाए। तो इस साथ पेशेंस का भी बड़ा रोल होता है, ये समय के साथ जाएंगे कुछ लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी कह लो। मैंने बताया था महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे लेकर महाद्वीपों के पूर्वी किनारे, महासागरों के पूर्वी किनारे से खारे जल को महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर लाकर वहां की लवणता को बढ़ा देती है। फिर आगे था पछुआ हवाएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर लवणता को कम कर देती हैं परंतु पश्चिमी तटों पर लवणता को बढ़ा देती हैं, पश्चिमी तटों पर लवणता को बढ़ा देती हैं। सागरी धाराएं निश्चित ही लवणता को बढ़ाने परिवर्तित करेंगे बच्चों, सागरी धाराएं निश्चित ही लवणता को बढ़ाने तथा घटाने का कार्य करती हैं। भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं महासागरों के पश्चिमी भागों से मैंने बोला है भूमध्य रेखा भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी भागों से लवणता को पूर्वी तट या पूर्वी तटवर्ती भागों में पहुंचाकर पहुंचाकर वहां की लवणता बढ़ा देती हैं
मैक्सिको की खाड़ी में इसी कारण से उच्च लवणता पाई जाती है, उच्च लवणता पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर लवणता को बढ़ा देती है। लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण, लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण बड़ी खराब आदत है हमारी, बहुत तेज बोलने की, लड़के तो इरिटेट होते होंगे ना जब बार बार क्या चिल्लाए पड़े को कोई नहीं है इतना देखिए जज ऐसा फील होता है क्या पीछे वालों को नहीं होता होगा आगे वालों को होता होगा टीचरों में बड़े सारे अवगुण भी होते हैं हमारे एक तो गुड़ होते हैं बाकी सब अवगुड़े होते हैं है जैसे डांटना समझाना बिना मतलब के कैरियर के बारे में एडवाइस देते रहना सब जानते हैं अपने भविष्य के बारे में कहा बार बार बोलते हुए सब जा रहे है नहीं ये सब आऊ नहीं है नहीं तो आप लोग ये कहेंगे ना कि भाई हम लोग क्या पागल लग रहे हैं क्या आपको दो दो समझा रहे हैं ठीक है तो देखो देखो क्या है दोस्तों ये जो जल धाराएं होती है ना जलधाराएं जो होती हैं नदी का नाम सुने हो अच्छा देखे भी हो गए तो नदी ऊपर ऊपर बहती है समुद्रों में भी नदी बहती है समुद्री नदी को जलधारा कहते हैं समुद्रों की जो नदी है उसे क्या कहते हैं जलधारा तो जलधारा देखो यही समझ लो ये क्या है विषुवत रेखा है इसके तीजी उत्तर तीजी दक्षिण यहाँ जलधारा किधर को जाएगी इधर से इधर को यही समझ लो पानी का नाम इधर से इधर को यानी कि पूरब से पश्चिम को तो जब पश्चिम चलेंगे हम आप महाद्वीप है तो महाद्वीप का कौन सा हिस्सा प्रभावित कर देंगे महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा प्रभावित हो जाएगा यहाँ लवणता घट जाएगी बढ़ जाएगी कहाँ जाएगी अब जब यहाँ से टकराएगी अब इस पछगोले हवा क्षेत्र में आएगी तो जलधारा यहाँ से मुड़ जाएगी इधर चली जाएगी तो जब इधर जाएगी तो खारा यहाँ लाएगी तो खारा इधर जाएगा तो इस वाले तट पे मान लो ये यूरोप है तो यहाँ लवणता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो लवणता देखो यही से पता समझ लो विषुवत रेखीय क्षेत्र में या कहिए कि आप ये वाला क्षेत्र जो है 30 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है महाद्वीप का पूर्वी तट लवणता को ज्यादा प्राप्त करेगा और 30 से 60 वाला क्षेत्र है 30 से 60 वाले क्षेत्र यानी पछुआ हवाओं के क्षेत्र में दो परिभाषा समझो पूर्वा हवा के क्षेत्र में महाद्वीप के पूर्वी तट पर लवणता ज्यादा पछुआ हवाओं के क्षेत्र में महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र पर लवणता अधिक पानी खत्म और जब यहाँ दोनों अधिक हो गया तो यहाँ का जो हिस्सा होगा इस वाले अब इस वाले जैसे यहाँ मिला ये इस वाले हिस्से में क्या होगा लवणता कम होगी ज्यादा होगी कम होगी यहाँ ज्यादा होगी यहाँ कम हो जाएगी ठीक है इस वाले हिस्से में यहाँ ज्यादा है यहाँ कम हो जाएगी मतलब अपोजिट चलेगा यानी कि 0 से 30 डिग्री अक्षांश में महाद्वीप के पूर्वी तट पर लवणता ज्यादा फिर 30 से 60 वाले क्षेत्र में महाद्वीप के पश्चिमी तट पर लवणता ज्यादा ये देखो यहाँ से समझो ये रेखा हवा आएगी यहाँ पर ये मैक्सिको की खाड़ी है क्योंकि जलधारा ऐसे चलती है गल्फ स्ट्रीम ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाती है अभी संक्षेप में जब आगे बता दूंगा तो यहाँ पर क्या होती है क्योंकि खारा पन लिया है तो यहाँ की लवणता ज्यादा हो गई ठीक है यहाँ से गल्फ स्ट्रीम आगे जब बढ़ी तो यहाँ आई तो यहाँ पे लवणता अधिक कर दी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा यहाँ से
लिए बस इतना ही आज। थैंक यू।